नमस्कार दोस्तों, आज की एक नई वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा बेहतरीन बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ, आप अपने गांव में अपने घर पे रह के दोस्तों अपने परिवार के साथ बैठे बैठे बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो एक मेरे ऐसे सब्सक्राइबर के लिए बना रहा हूँ जिसका कमेंट आया, आपको पहले कमेंट देख लीजिए। देखिए कमेंट में लिखा हुआ है कि मुझे सर कुछ ऐसा आइडिया बताइए जिसे हम अपने परिवार के साथ यानी कुछ लोगों के साथ बैठ के घर से स्टार्ट कर सकें। तो दोस्तों इसी पे पूरा आज का टॉपिक रहेगा। जो भी भाई अपने घर पे बैठ के प्रदेश कहीं जाने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है, आप अपने गांव में अपने शहर में जहां पे भी रहते हो आपको दूर कहीं भागने की जरूरत नहीं। आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताऊंगा जिसे मात्र आप बहुत ही कम पैसों में स्टार्ट कर सकते हो। पैसों की दोस्तों ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों, हर एक आइडिया में हर एक मतलब वीडियो में आपको बोलता हूँ कि बिजनेस करने के लिए कोई पैसों की जरूरत नहीं। बिजनेस करने के लिए सबसे पहले एक आइडिया होता है, अगर आपका आइडिया अच्छा है तो आप उसमें बहुत ही कम पूंजी से स्टार्ट कर सकते हो और दोस्तों वाकई में आप पैसा कमा सकते हो। दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है जो कभी बंद नहीं होने वाला है। इसमें आप बहुत डिफरेंट टाइप का अलग अलग तरीके से काम कर सकते हो, आपको मतलब काम की कोई कमी नहीं है। मतलब आज का जो ट्रेंडिंग जो आइटम है, ट्रेंडिंग मतलब कहने का मतलब एक बिजनेस है, वही मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अच्छे से देखिएगा। अगर आपको इंटरेस्ट है अपने परिवार के साथ बैठ के घर पे बैठ के कुछ पैसा कमाना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्टैंडर्ड का मतलब आपको ऐसा बताऊंगा कि जिसमें आप आगे बढ़ के आप बहुत बड़ा नाम भी कमा सकते हो। दोस्तों आप पैसा तो कमा ही सकते हो इस लाइन में, अगर आपने थोड़ा दिमाग लगाया, स्मार्ट वर्क किया, थोड़ी सी मेहनत अगर कर ली तो वाकई में अपने पैसे के साथ अपने मार्केट में अपना नाम भी रहेगा, एक ब्रांड बना के अपने आप में एक मतलब बहुत ही अच्छा खासा काम कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, दोस्तों का शेयर करना। चैनल पर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो बिजनेस नहीं है तो दूसरा कोई बिजनेस आपको काम आए। तो इस तरह के मेरे सारे बिजनेस देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों फटाफट चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट बताता हूँ आज का जो बिजनेस प्लान क्या है। दोस्तों बात कर लेते हैं बिजनेस की। आज का जो बिजनेस है उसे आप मात्र आप चाहो तो 500 रुपये में भी स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको डर लगता है, अगर आपके पास पैसे नहीं है कि क्या करें क्या होगा, आपका पैसा तो कहीं बेकार नहीं हो जाएगा, तो मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ आप 500 में कैसे स्टार्ट कर सकते हो, आप 5000 में कैसे स्टार्ट कर सकते हो, आप इसको 10000 में कैसे स्टार्ट कर सकते हो, और आपके पास जितना पैसा उतना पैसा आप जितना भी इसमें लगाएंगे उतना ज़्यादा दोस्तों आप पैसा कमा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन है, 500 रुपये इसलिए बोल रहा हूँ, 500 रुपये के लिए आपको एक ट्रायल के तौर पर आप इसको कर सकते हो। आपको अगर लगता है कि मेरा बिजनेस चले नहीं चले, कहीं मेरा पैसा ना फंस जाए, दोस्तों मैं ऐसा तो कोई बिजनेस आइडिया आपको बताता नहीं जिसमें आपका पैसा ख़राब हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बताए रास्ते पे जाके किसी का नुकसान हो। दोस्तों मेरा तो उद्देश्य ये है कि मैं जो मेरे गरीब भाई बेरोजगार भाई उनके लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ, यही मेरी कोशिश रहती है कि मेरी वीडियो से अगर किसी भी एक भाई को रोज़गार मिल जाएगा तो दोस्तों मुझे बहुत खुशी होगी, यही मेरा एक उद्देश्य रहता है। तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरे बताने के आपका कुछ भी नुकसान होने वाला, तो आप वीडियो में लास्ट में भी आपको बता दूँगा अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप 500 रुपये में इसका ट्रायल कर सकते हैं, ऐसी बड़ी बात नहीं है। 500 रुपये दोस्तों बिजनेस के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो भी चीज़ आपके हाथ में रहेगी, आप उसको बेचेंगे तो आप पैसा कमा सकते हैं, यानी 500 के 1000 आप कर सकते हैं। आपको अभी बताता हूँ कि अगर आपके पास 2-5000 रुपये हैं तो इस बिजनेस को बहुत ही स्टैंडर्ड से आप कर सकते हो और अपने परिवार के साथ इसको शुरू कर सकते हो। दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 3 से 4 आइटम चाहिए, आपको बता देता हूँ। एक स्केल रहेगी जिसको वजन कांटा बोलते हैं, किचन का स्केल है जिसका छोटा मोटा वजन करने के लिए 100-200 ग्राम 1 किलो तक वजन करने के लिए एक कांटा रहता है। दोस्तों उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी ये चीज़ें, ये देखिए ये है पुट्ठा बोलते हैं इसको, ये आप देखे होंगे आपने कहीं पे भी, अगर आपने कपड़े वगैरह मार्केट से खरीदते हैं तो उनके अंदर भी निकलते हैं, इसको पुट्ठा बोलते हैं, ये आपको मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको चाहिएगा ये थैली चाहिएगी, ट्रांसपेरेंट थैली है, आप देखिए ये आपके लिए लेके आया हूँ, थोड़ा ऐसा नहीं आपको ऐसा नहीं लगे कि मिलता नहीं, मार्केट में सब मिलता है। आप 1 किलो चाहिए, 100 ग्राम चाहिए, 2 किलो चाहिए, 5 किलो चाहिए, जितना क्वांटिटी आप लेंगे दोस्तों मार्केट में उतनी आपको सस्ती मिलेगी। ये ट्रायल के लिए आपको बता दिया हूँ, ये आपको इस तरफ की थैली चाहिएगी। वीडियो को पूरा गौर से देखिए तो पूरा बताऊँगा कैसे आपको प्रोडक्ट तैयार करना है और मार्केट में कैसे बेचना है। तो आप बिना स्किप के अच्छे से देखिए, 10-15 मिनट की इस वीडियो में आपका हो सकता है ज़िंदगी दोस्तों बदल जाए, आपको एक नया काम मिल जाए जिसमें आप आगे बढ़ के अपने परिवार के लिए कुछ कर सकें। दोस्तों ये चीज़ें आप समझ लीजिए। उसके बाद दोस्तों
आपको एक स्टेपलर चाहिए जो आपके कॉमन घर में मिल जाएगा। ये चीज़ें जो चार चीज़ें जो दोस्तों मैंने बताई, ये बेसिक चीज़ें थी, यही चीज़ें चाहिए इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद आप चाहो एक ये चीज़ रहेगी, पैकिंग मशीन रहेगी। आप चाहो तो ये पैकिंग मशीन ले सकते हो। आप सभी को पता है ये कैसे यूज कर सकते हैं, इसको आप ऐसे प्रेस करेंगे तो ये पैकिंग कर देते हैं। स्टार्टिंग में अगर आप चाहो तो बिना मशीन के भी काम चला सकते हो। इसका काम भी आपको बताऊंगा, इसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हो। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं ये बिजनेस क्या है। दोस्तों ये बिजनेस है पैकिंग का बिजनेस। आप मार्केट से कुछ भी एक्स वाई जेड, आज के दिन आप देखते हो अपने लोकल मार्केट, आप जाते हो दुकानों पर जाते हो, हर एक चीज़ आपको छोटे से छोटे मतलब रहती है तो लूज नहीं पैकिंग में आपको मिल जाती है। पैकिंग में क्या होता है, दुकानदार को सहूलियत होती है ताकि जब शाम के टाइम भीड़ होती है या दूसरे पर्पज़ से उनको उसको क्या है कोई नाप तोल नहीं करना पड़ता। दुकान पे कोई भी बैठा रहेगा छोटा बड़ा तो वो ग्राहक को आराम से दे सकता है, और पैकिंग में उसकी जो लुक है ना देखने का वो बहुत अच्छा हो जाता है। यानी देखने में जब चीज़ अच्छी लगती है तो ग्राहक उसको जल्दी खरीदता है। तो मतलब आज के दिन सारी चीज़ें, मसाले हो या कोई भी अनाज हो, कोई भी चीज़ हो दोस्तों, एक्स वाई जेड, चॉकलेट हो, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब वो एक ट्रांसपेरेंट थैली रहती है इस तरीके, जैसे मैंने बताया उसमें पैकिंग होता है, और वही काम दोस्तों आप करके आप अपने घर से इसको तैयार कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। दोस्तों आपको एक सैंपल के लिए आपको बता देता हूँ कैसे करना है और कितना इसमें प्रॉफिट है। इसमें प्रॉफिट बहुत तगड़ा है दोस्तों, आपको लगता होगा कि क्या कमाते होंगे, बहुत तगड़ा है क्योंकि ये क्वांटिटी में काम होता है और आपको फुर्सत नहीं मिलेगी दोस्तों कितना पैसा आप कमा सकते हो। आप अपने घर पर फैमिली के साथ इसको तैयार कर सकते हो। उसमें से जो भी जेंट्स है वो अपना मार्केट में जैसे जाएगा आप उसको आसानी से बेच पाएंगे, बड़ी आसानी से। देखो हर आदमी की, हर दुकानदार की जरूरत है, हर जगह काम आने वाली चीज़ है, इसको कहीं पे भी आप बेच सकते हो बेफिक्र। उनको तो माल चाहिए और जो लोग माल तैयार करके देते हैं उनसे वो लोग लेते हैं। वो हो सकता है आपसे एक रुपये रेट आपको कम मिले, एक रुपये कम कमाने को मिलेगा, जहाँ दूसरे लोगों को 10 रुपये कमा रहे हैं आप 9 रुपये में धंधा कीजिए, मतलब तो थोड़ा प्रॉफिट आप 1 रुपये कम कर देंगे तो आपसे ले लेंगे। चीज़ तो वही है, कोई दिक्कत है नहीं उसमें, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं, खाली पैकिंग का काम है दोस्तों। अब बताता हूँ कि आपको इसको कैसे करना है, आपको एक सैंपल बना के दिखाता हूँ, उसके बाद बताऊँगा उसको कैसे बेचना है और कितना उसमें मुनाफा होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस तरह की, ये जिस तरह मैंने थैली ले लिया है, इस थैली के अंदर आपको क्या करना है, एक थैली लिया आपको एक सैंपल के लिए, मेरे पास अभी हाल में जो पड़ा हुआ है ये देखिए, ये मैंने सौंफ लिया, उदाहरण के लिए सौंफ लिया। सौंफ दोस्तों मार्केट में लगभग अभी इसका 80-90-100 रुपये तक, 100 रुपये तक होलसेल रेट है। होलसेल में आपको माल खरीदना है, उसके बाद आपको पैकिंग करके व्यापारियों को देना है। होलसेल और रिटेल में दोस्तों बहुत फ़र्क होता है, लगभग 1.5 से 1.5 गुना मान लीजिए। और इसका सौंफ का आपको बताता हूँ कि आप कितना कमा सकते हो। इसमें आप एक आइडिया से, अंदाज से आपको बता देता हूँ, इसमें जो 2 चम्मच होती है खाने की, वो 2 चम्मच आप इसमें डाल सकते हो। एक अंदाजे के लिए बता देता हूँ, आप इसको खाने की 2 चम्मच है, या इसको वजन करेंगे तो दोस्तों मात्रा आप चाहो तो इसमें 10 ग्राम डाल सकते हो, 5 ग्राम डाल सकते हो, वो हर एक चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो कितने की है। आपको एक थोड़ा सा एक अंदाज़ा आ जाएगा कि कैसे इसको तैयार कैसे करना है। तो मेरा उद्देश्य यही है दोस्तों, इस तरह से आपने सौंफ इसमें भर लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरह से ये आपको एक पीस ले लेना है, और उसके बाद इसको इसमें चिपकाने से पहले आपको दोस्तों एक काम करना है, आपको इसको क्या करना है, पैकिंग करना है। पैकिंग करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, ये सीलिंग मशीन है, ये सीलिंग मशीन के ऊपर आप जैसे यहाँ पे रखेंगे और इस हाथ से दबाएंगे तो आवाज़ आएगी और ये पैक हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको पैक कर सकते हो दोस्तों, ये पैकिंग हो जाएगा। आप चाहो, आपके पास पैकिंग मशीन नहीं लेना चाहते हो, स्टार्टिंग में आप मोमबत्ती से यूज कर सकते हो। मोमबत्ती आप इस तरह से रखिए, इस तरह से आप जलाएंगे इसको मोमबत्ती के आगे तो आराम से ये पैक हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, मशीन से आप पैक करके देंगे तो आपका एक अलग ही मतलब इंप्रेशन जाएगा, दुकान वाला देखेगा वाकई में कोई प्रोफेशनल बंदा है, बहुत टाइम से कर रहा है, उसको ऐसा नहीं लगेगा कि नया बंदा। अगर आप मोमबत्ती से देंगे तो क्या उसको लगेगा कि कोई नया बंदा है इसके लिए। तो मशीन से जब पैकिंग होगा तो माल भले ही आपके 2-4-6 महीने भी दुकान पे सामने वाले रहेगा तो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या एयर पास नहीं होगी। तो मोमबत्ती से हो सकता है आपको थोड़ी पैकिंग अच्छी ना हो पाए, तो एक टेम्परेरी आप मोमबत्ती से कर सकते हो, ये मशीन का पैसा आप बचा सकते हो दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, इसको मोमबत्ती से कर दिया, इसको अभी मोमबत्ती अपने पास नहीं है दिखाने के लिए, तो इसको मैं स्टेपलर मार देता हूँ। इस तरह से आप पैकिंग कर सकते हो। आप चाहो कुछ ऐसी चीज़ें हैं स्टेपलर से पैकिंग हो जाएगी, लेकिन इसमें क्या होगा एयर चली जाएगी, ऐसा कर लेना। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये आपको ऐसे ले लेना पुट्ठा, और इस पुट्ठे के ऊपर आपको
ये देखिए ऐसे आपको यहाँ से स्टार्ट करना है नीचे से और इस तरह से इसको लगा देना। अब देखिए कितना शानदार है। इस तरह से आप इसमें जो पूरे आपको क्या करना है, पांच इस साइड में लगाना है, पांच इस साइड में लगाना है दोस्तों। इस तरह से आप 10 पीस लगा सकते हो। उसमें बात करें प्रोडक्ट की, आपके पास हजारों प्रोडक्ट है दोस्तों, एक दो प्रोडक्ट नहीं। आप मार्केट में जाइए, व्यापारी के पास जाइए, जो चीज़ें आपको लग रहा है ये चीज़ें बिकने लायक है, किराने की जितनी चीज़ें हैं। एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैंने एक लास्ट वीडियो में आपको बताया था तो उसमें मैंने पैकिंग करके दिखाया था, वो मेरे पास पड़ा हुआ, ये देखिए इसमें मैंने लौंग को पैकिंग करके दिखाया है। ये देखिए इस तरह से आप पांच यहाँ पे रखेंगे, पांच यहाँ रखेंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये 10 का पूरा मतलब तैयार हो। आप दुकान पर जाएंगे बेचेंगे तो आप इसको दुकानदार बड़ी आसानी से खुश होकर ले लेगा। ये देखिए लौंग का है दोस्तों, ये देखिए दूसरा, ये है काली मिर्च है, एक ये है इलायची है। इलायची में भी अच्छा मार्जिन मिल जाएगा, लगभग आपको जो भी चीज़ें दोस्तों आप पैक करेंगे लगभग आपको 1.5 से 2 गुना प्रॉफिट होने वाला है। अब इलायची की बात करें, इलायची कितनी पैकिंग करनी है, मीडियम साइज़ की ले लेनी है। लगभग दोस्तों इलायची का आज के दिन रेट लगभग 2500 के आसपास है, होलसेल रेट में 2200-2300 रुपये मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको लेते हैं मीडियम साइज़ की, जैसे आप देख पा रहे हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है ज़्यादा छोटी नहीं है, मीडियम रहेगी, आप 5 रुपये की अगर पैकिंग कर रहे हैं जो रिटेल में जो 5 रुपये में बिकेगा तो उसमें 5 इलायची डालनी है और 10 रुपये की जो बिक्री होगी उसमें 10 इलायची डाल देंगे। सिंपल सा है, बड़ी इलायची नहीं, मीडियम साइज़ की 10 रहेगी, 10 रुपये में बिकेगी, 5 इलायची 5 में बिकेगी। आप उसका दूसरा एक चीज़ और भी है फार्मूला, आपको बहुत सारे चीज़ें इसके अंदर, बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ किराने के सारे सामान हैं और बहुत चीज़ें हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने लोकल मार्केट जा सकते हैं, वहाँ से जो भी आपको पसंद है, जो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो उसको एक सैंपल के तौर पे लेके आ सकते हो। उसमें आप वजन कर सकते हो कि उसमें कितना माल है क्या है, तो वही आपको मार्केट से फिर आपको माल होलसेल में ले लेना है और उसके बाद उसकी पैकिंग करके आप उसी साइज़ में बेच सकते हैं। तो बहुत ही आसान चीज़ है दोस्तों। अब बात करें इसमें मुनाफे की, अब देखिए ये मैंने जिस तरह अभी आपको सौंफ करके यहाँ पर पैक दिखाया, इस तरह से सौंफ की कीमत अगर दोस्तों बात करेंगे तो लगभग 100 रुपये किलो होलसेल रेट है और लगभग अगर आप 10 ग्राम अंदाज इसमें खाने के 2 चम्मच डालेंगे तो लगभग 10 ग्राम हो जाएगा। 10 ग्राम अगर आप इसको पैक करते हैं 100 रुपये किलो, तो मतलब 1 ही रुपये का माल हुआ, ये 1 रुपये का माल हुआ। आपने 10 पीस इसमें पैक करके लगा दिए सौंफ के, तो ये आपका जो पुट्ठा है और इसका पुट्ठे का जो खर्चा है वो आपको बता दूँ, ये आपको लगभग 40 रुपये किलो मार्केट में मिलता है। मेरे यहाँ मैंने जब खरीदा तो 40 रुपये किलो उसने बताया। अगर आपके यहाँ पर 45-50 में मिले कोई दिक्कत नहीं है, कहने का मतलब ये खाली 1 रुपये इसका खर्चा आने वाला, मोटा मोटी 1 रुपये में आपका ये आ जाएगा। 10 रुपये का आपका ये मान ले सौंफ का तैयार हुआ, 10 और 1 11, और उसमें थैली का 1-2 रुपये जोड़ सकते हैं, मैक्सिमम आपको 13-14 रुपये, 13 से 14 रुपये में अगर आपका इलेक्ट्रिक का बिल जोड़ दें, उसमें कोई बिल नहीं आने वाला, छोटी मशीन है, पूरा भी करेंगे, ये जितना माल देगा पुट्ठे पैकिंग ये सब 5 रुपये मैक्सिमम, आपका थैली आ गई, ये पुट्ठा आ गया, पैकिंग का सब खर्चा आ गया। आप किसी से करवाएंगे तो भी, अगर उसको लेबर भी जोड़ेंगे तो भी आपको 5 रुपये पैकिंग चार्ज होगा। तो 5 रुपये ये आपका माल कितने रुपए का वो जोड़ लीजिए, उसके बाद उसमें आप 20 रुपये दोस्तों जोड़ देना है। कितना, सीधा ही एक सिंपल सा बता रहा हूँ, आप अपना खर्चा जोड़ना है, उसके बाद कितने रुपये में माल तैयार हुआ यानी वजन कर लेना है, कितना माल गया, आपने कितने में ख़रीदा था, उसके ऊपर आपको 20 रुपये ऐड कर देना है। यानी 20 रुपये आप ऐड कर देंगे तो दुकानदार बड़ी आसानी से आपका माल ले लेगा, क्योंकि उसको पता है कि सामने वाले ने मेहनत का काम है और ये खुलेआम दोस्तों बिकता है, ऐसी बात नहीं है। बहुत ही आज के दिन टाइम में बहुत ज़्यादा इसको रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत लोग कर रहे हैं इसमें, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे मैं सूरत में देख रहा हूँ, बहुत दुकानों पे मतलब हर एक चीज़ पैकिंग मिलती है, आप मॉल में भी जाएंगे तो भी आपको वहाँ पर हर एक चीज़ पैकिंग मिलेगी। तो इस तरह से एक छोटा सा बिजनेस है दोस्तों, आप परिवार के साथ मिलकर इसको स्टार्ट कीजिए। आप चाहो तो आप मशीन नहीं लेना चाहते, जैसा कि मैंने पहले बताया था, अगर आप 500 रुपये में स्टार्ट करना चाहते हो, ट्रायल लेना चाहते हो, तो इसको क्या कर सकते हो, जिस तरह ये थैली है कि आप थैली ले लीजिए मार्केट से, 100 ग्राम ले लीजिए, 200 ग्राम लीजिए, ये माल आप ले लिया, उसके बाद ये पुट्ठा है, ये पुट्ठे वाली दुकान के पास जाके आप सैंपल के 2-5 पीस लेके आ सकते हैं। उसके बाद आप ये स्केल है ये आप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्टार्टिंग जिस तरह सौंफ का मैंने बताया था, उसमें आप क्या करो, आप 2 चम्मच डाल दो, एक अंदाज से डाल दो, आपको खाली 500 रुपये लगा तो आपको खाली ट्रायल करना, कमाई वाली बात यहाँ आपको देखना है, अगर माल आपका बिक रहा है, आपको जब भरोसा हो जाए कि माल मेरा बिक रहा है, फटाफट बिक रहा है, अच्छे से स्पीड में अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो आप इसको एक मशीन लीजिए पैकिंग,
एक स्केल ले लीजिए, मशीन और स्केल अगर आपको खरीदना है आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा और लिंक पे जाके वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको लगभग 1000 रुपये की मशीन आएगी, 350-400 रुपये की स्केल आएगी दोस्तों, और थैली जैसे मैंने आपको बता दिया है ये लगभग 150-200 रुपये इसका रेट है, साइज के हिसाब से आती है। ये 3x4 की थैली इसमें यूज होगी दोस्तों, 3x4, तो 3x4 साइज याद रखना है, वो आपको थैली ले लेनी है और इस पैकिंग के काम को करके अच्छा खासा दोस्तों पैसा कमा सकते हो। दोस्तों कम से कम अगर आप बात करूं कि अगर आपने दिन भर में 100 पुट्ठे, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 100 पुट्ठे तैयार कर लिए इस तरह से, जो पैकिंग वाले आपको बता देता हूँ, ये देखिए जैसे इलायची का है, ये लगभग आपको 3 रुपये में तैयार हो जाता है दोस्तों, इलायची का जो है ना, कि 5 अगर इसमें डालेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 10 रुपये वाला है वो लगभग आपको 6 रुपये, 6.5 रुपये में तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, लगभग आपको एक पैकिंग के ये पूरे ऊपर आपको 20-25 रुपये आप कमा सकते हो बड़ी आसानी से, बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा। और सोचिए अगर आपने एक दुकानदार ने, किसी ने 10 लेगा, कोई 15 लेगा, अलग अलग वैरायटी 3-4 वैरायटी आप रख सकते हो, उसमें क्या होगा कि कोई 5 लेगा, कोई 10 लेगा, क्योंकि सबके काम की चीज़ है वो, ऐसा नहीं सिंगल सिंगल पीस नहीं लेंगे, जो भी दुकान वाले के पास आप जाएंगे वो 5-10 खरीद लेगा आपका, आपका मान लीजिए 10 वैरायटी आपने बनाई अलग अलग चीज़ की, तो कोई दो पीस करके 5 आइटम अगर आप लिए तो 10 पीस ले लेगा, 10 पीस का मतलब आपके 200 रुपये बन गए, एक पे आपको 20 रुपये ही कमाना है, ज़्यादा नहीं कमाना है, 20 रुपये कमाएंगे 200 रुपये हो गए। आप देखिए 10 दुकानदारों के पास चले जाएंगे, उनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए, उनको जैसे ही जल्दी जरूरत पड़ेगी आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, वो ना कहीं कहीं से ले रहे हैं, अगर नहीं ले रहे हैं तो उनके लिए स्टार्टिंग के तौर पे वो इसको बहुत पसंद करेंगे, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। कोई भी इलायची लेने आया उसको फटाक से तोड़ के दे दिया, लौंग लेने आया, धनिया लेने आया, हर एक चीज़ मार्केट में दुकानों पर गाँव देहात में हर चीज़ें जरूरत पड़ती है, आपको लगता है जो चीज़ जरूरत की है वो आप पैकिंग कर लीजिए। आप दुकानदार से इससे बारे में बातचीत कर सकते हैं, एक दो से लोगों से सलाह ले सकते हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा दोस्तों, और कोई भी आपको इसमें कोई ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, बहुत अच्छे से चलेगा दोस्तों। इस बिज़नेस को अगर आप बड़े लेवल पे करना चाहते हो, आपको थोड़ा अनुभव हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये जो जिस तरह ये पुट्ठा है यहाँ पर आपको एक प्रिंट इसमें प्रिंट करवा लेना, प्रिंट नहीं करवाना चाहते तो रबर स्टैंप आती है, रबर स्टैंप लिख लीजिए, वहाँ पर अपना ब्रांड का नाम लिख दीजिए, नंबर लिख दीजिए, मोबाइल नंबर, और MRP लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे MRP 5 वाला है तो 5 रुपये, इस तरह से करते हो देखने में अट्रैक्टिव होगा, बहुत अच्छा लगेगा दुकानदार को भी, और आपका माल दोस्तों बहुत अच्छे से बिकेगा। तो इस तरह से आप इस बिज़नेस को बहुत बढ़िया तरीके से दोस्तों आप स्टार्ट कर सकते हो, और आने वाले टाइम में जब आपका अच्छा रिस्पॉन्स आने लगे तो आप इसमें एक FSSAI का लाइसेंस ले सकते हो, फूड का लाइसेंस लेके अपना एक बढ़िया से स्टिकर बनवा सकते हो ऊपर, और मार्केट में बहुत ही अच्छा खासा काम कर सकते हो। GST नंबर ले लेना है, एक आपको करंट अकाउंट खुलवा लेना है, आप बहुत ही धड़ल्ले से अपने मार्केट में अपना नाम बना सकते हो, ब्रांड बना सकते हो दोस्तों। आपने देखा होगा अगर आप जाओगे मार्केट में, निकलोगे इस काम के जांच के लिए, तो आपको पता चलेगा बहुत अच्छे अच्छे लोग पैकिंग करके बेच रहे हैं, हर एक चीज़ पैकिंग में बिक रही है, और आप भी अपना एक, अगर आपके पास 10,000 रुपये है दोस्तों, ये सब चीज़ें पूरे ब्रांड के साथ इसको स्टार्ट कर सकते हो। आपको बता देता हूँ कि ब्रांड को रजिस्टर करने के लिए लगभग आपको 4,500-5,000 रुपये खर्चा लगता है, जो ट्रेडमार्क बोलते हैं उसको, ट्रेडमार्क ले सकते हो अपने नाम का। GST का आपको पता है कि कोई इसकी ज़्यादा फीस नहीं, आसानी से मिल जाएगा, आप 1,000 रुपये मैक्सिमम पकड़ लीजिए, CA आपसे बनवा देगा, 6,000 रुपये हो गए। आप एक FSSAI का लाइसेंस ले सकते, 200-500 रुपये मैक्सिमम पकड़ लेते हैं, 6,500, और बाकी दोस्तों आपका ये मशीन वगैरह आ गई और पैकिंग मटेरियल आ गया, ये सब कुल जोड़ेंगे ना दोस्तों 10,000 रुपये नहीं लगने वाला है। आप 10,000 से पहले ही आपका स्टार्ट एक बहुत बड़ा ब्रांड के साथ इस बिज़नेस को कर सकते हो, और बहुत लोगों को आप रोज़गार दे सकते हो। जो गांव में महिलाएं बैठी है या शहर में भी जो बहुत सारी महिलाएं जो खाली बैठी रहती है, उनको ये काम दे सकते हो, उनसे काम पैकिंग करवा सकते हो, उनकी मजदूरी दे के आप भी बहुत अच्छा खासा दोस्तों मार्जिन सेट करके इसमें बिज़नेस में आगे बढ़ सकते हो। बहुत सारे लोग इस तरह का बिज़नेस कर रहे हैं दोस्तों। आज की वीडियो में मैंने पूरा बता दिया है, फिर भी अगर कोई कमी रहेगी तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं दोस्तों। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, हो सकता है वीडियो आपके लगता है आपके काम के नहीं, किसी दोस्त के, तो उसको शेयर कर दीजिए, उसको बताइए कि बहुत अच्छा बिजनेस है, इसको स्टार्ट करें। तो दोस्तों मैं, क्योंकि रोज़गार जो है वो एक ऐसा है क्योंकि जो सबसे बड़ा दान मानता हूँ, अगर आप किसी को 1-2 लाख भी दे देंगे दोस्तों वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर आपने किसी को रोज़गार दे दिया, भले वो 20,000 कमाए महीने के, लेकिन वो उसकी ज़िंदगी बदल सकता है। रोजगार का दान दोस्तों बहुत बड़ा दान है,
तो मैं इसी सिलसिले में काम कर रहा हूँ कि मेरे बेरोजगार भाइयों को कोई रोजगार मिल जाए और अपना परिवार के लिए कुछ अच्छा कर सके। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।